सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके लिए संस्कृत में निबंध लेकर आई हूँ और आज मैं आपको भारतवर्ष के बारे में बताऊंगी। ऐसे तो आप भारतवर्ष के बारे में जानते ही हो कि अपने देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसकी क्या पौराणिक कथाएं हैं, इसके उत्तर दिशा में क्या है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको संस्कृत में लिखना बताऊंगी। तो चलिए अब देखते हैं। भारत भूमि अस्माकं मातृभूमि अस्ति, यानी भारत भूमि हमारी मातृभूमि है। शा अस्माकं प्राणिरपि प्रिया अस्ति, वे हमारे प्राणों से भी प्रिय है। भारतस्य अन्यत नाम हिंदुस्तानम अपि वर्तते, भारत का अन्य नाम हिंदुस्तान भी है। पूरा अस्य प्राचीन नाम आर्यवर्त आसीत्, पूरा पहले, अस्य प्राचीन नाम इसका पुराना नाम आर्यवर्त था। अत्र दुष्यंतो नाम राजा बहु, यहाँ दुष्यंत नाम का राजा हुआ। तस्य महान वीर पुत्र भारत नामासीत्, तस्य उसके महान वीर पुत्र का नाम भरत था। तस्य नाम नाम अस्य देशस्य नाम भारत जातम, उसके नाम पर ही इस देश का नाम भारत हुआ। भारतस्य स्थानम विश्वस्य सर्वेषु देशेषु प्राचीनतम विशिष्टम च अस्ति, भारत का स्थान विश्व के सभी देशों में प्राचीन यानी पुराना और विशिष्ट है। भारत देश अति विस्तृत अस्ति, भारत देश बहुत ही विस्तृत है यानी कि फैला हुआ है। अस्य उत्तर श्याम दिशि विशाला उन्नत च हिमालय विद्यते, अस्य इसके उत्तर दिशा में विशाल और उन्नत हिमालय पर्वत विद्यमान है। यह प्रहरी भारतम रक्षति, इसकी प्रहरी भारत की रक्षा करते हैं। अस्माक पर्वतात अनेका नदियाँ वहंती, इस पर्वत से अनेक नदियाँ बहती हैं। देशस्य भूभागम सिंचन्ति च, और देश के भूमि को सींचती है। अस्य दक्षिणाश्याम सागरा स्वजले अस्य चरणों सतत प्रक्षाल्यते, इसके दक्षिण के सागर अपने जल से इसके चरणों को हमेशा पखारती है। भारतस्य मनोहरम रूपम जनानाम चेतांसि आकर्षति, भारत के मनोहर रूप लोगों के मन को आकर्षित करती है। अतः प्रतिवर्ष अत्र अनेके पर्यटका विदेशादपि आगच्छन्ति, अतः इसलिए प्रत्येक वर्ष यहाँ अनेक पर्यटक विदेशों से भी आते हैं। भारतवर्षे विभिन्न जातियाँ विभिन्न धर्म संप्रदायाम जना वसन्ति, भारतवर्ष में विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। सर्वे परस्परम स्नेहं व्यवहरन्ति, वे आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। अस्माकं देशस्य सर्वसैनिकाः देश रक्षणाय सदा तत्परा दृश्यन्ते, अस्माकं देशस्य हमारे देश के सभी सैनिक देश के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं। अस्माकं देश देव पुरुषे भ्योपि प्रिय अस्ति, हमारा देश देव पुरुषों को भी प्रिय है। अत्रैव रामकृष्ण परमहंस गांधी नेहरू पटेल सुभाष चंद्र बोस प्रमुख महापुरुषा अत्रैव उत्पन्ना, यहाँ रामकृष्ण परमहंस गांधी नेहरू पटेल सुभाष चंद्र बोस इत्यादि प्रमुख महापुरुष यहाँ पैदा लिए। अयम देशा ग्राम प्रधाना कृषि प्रधानश्च कथ्यते, यह देश
गांव प्रधान और कृषि प्रधान देश कहे जाते हैं। अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। इस देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।